नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीफायर बनाने का तरीका, वो भी बहुत आसान तरीका। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। एम्पलीफायर बनाने के लिए देख लीजिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो हमें एक बूफर स्पीकर लेना है, जो हम एम्पलीफायर से चलाएँगे तो हमें बढ़िया आवाज़ मिलेगा। उसके बाद आपके पास एक CFL होगा, पुराना ख़राब होगा, उसमें से हम ट्रांजिस्टर निकालेंगे। यह आपके पास जरूर होगा CFL, इसी से हम एक ट्रांजिस्टर निकालेंगे। ट्रांजिस्टर का नंबर है 13002, यही है ट्रांजिस्टर, इसी से हम एम्पलीफायर बनाएंगे। तो चलिए इसका ट्रांजिस्टर निकाल लिया जाए। सोल्डिंग आयरन से बहुत आसानी से ट्रांजिस्टर इसका निकल जाएगा। देखिए ट्रांजिस्टर निकल गया। इस CFL में आपको दो ट्रांजिस्टर मिलेगा और हमें एम्पलीफायर बनाने के लिए दो ट्रांजिस्टर ही चाहिए। देखिए यह है 13002 का ट्रांजिस्टर। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा कैसे इसे जोड़ना है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप घर पर आसानी से एम्पलीफायर बना सकते हैं। अब हमें दूसरा कंपोनेंट लेना है, 1K का रेजिस्टेंस। और तीसरा कंपोनेंट लेना है 470 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट का कैपेसिटर। अब यह देखिए एम्पलीफायर सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए हम इसमें स्पीकर का कनेक्शन देंगे पहले। अब ब्लूटूथ का कनेक्शन देंगे। और इसके बाद बैटरी का कनेक्शन।
अब यह कंप्लीट हो गया, अब इसे हम चलाएंगे। अब मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम चलाएंगे। देखिए कितना बढ़िया यह चल रहा है। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।